उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव ने बंपर जीत दर्ज की है। उधर गुजरात में मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी ने अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इन सब के बीच गुजरात चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का भी खाता खुल गया। यह सीट है लेडी डॉन के नाम से चर्चित संतोख बेन जाडेजा के बेटे कांधल जाडेजा की। कांधल जाडेजा ने कुटियाना विधानसभा सीट पर 26,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। एसपी के कैंडिडेट कांधल जाडेजा ने 60,744 वोट हासिल किए। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट ढेलीबेन ओढ़ेद्रा को 34,032 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भीमा भाई मकवाना तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें 19,557 वोट मिले। कांधल जाडेजा को कुल पड़े वोटों का 46.94% मिला। कांग्रेस प्रत्याशी को यहां सिर्फ 8,841 वोट मिले। कांधल जाडेजा गुजरात की लेडी डॉन संतोख बेन जाडेजा के बेटे हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें पोरबंदर की कुटियाना सीट से टिकट दिया था। कांधल इससे पहले 2012 और 2017 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। जाडेजा ने इस बार गुजरात चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। वो गुजरात में एनसीपी के इकलौते विधायक थे। इस बार वो एसपी के इकलौते विधायक हैं जो गुजरात की विधानसभा में बैठेंगे। कांधल जाडेजा कहते हैं, मेरा मतदाता मेरा परिवार है और वे पार्टी नहीं बल्कि मुझे वोट देते हैं। मुझे मेरे नाम और काम पर वोट मिलता है। बता दें कि गुजरात में आम लोगों के बीच जाडेजा को भाई कहकर भी बुलाया जाता है। उनकी मां संतोख बेन के जीवन पर फिल्म गॉड मदर बन चुकी है। संतोख बेन पर 500 से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज थे। संतोख बेन जाडेजा 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर कुटियाना से जीतकर विधानसभा पहुंची थी। इसके बाद 2012 में उनके बेटे कांधल ने इसी सीट पर जीत हासिल की। कांधल जाडेजा भी कई आपराधिक मामलों में आरोपी रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि ये मामले अतीत से जुड़े हैं और लोग उन्हें उनकी पहुंच और काम के कारण वोट देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।